ना यार, सीधा बाउंस है, गंदा बाउंस है भाई। नीचे हो यार, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इतनी सारी मॉम्स यहाँ पे आई हैं और आई फील लाइक इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रांड्स टू बी हियर एंड मोर इम्पोर्टेंटली टू बी हियर विद देयर किड्स। जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक ऐसा कैंपेन है जो मैंने अभी लॉन्च किया है और जैसे ही लॉन्च हुआ आई थिंक कोई ऐसी चीज़ जो आप करें और सच्चे दिल से करें, द वॉइस हैड टू टर्न आउट एंड यू नो सॉरी द वॉइस हैड टू रीच आउट टू ऑल द अदर मम्स आउट देयर एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट माई वॉइस, इट इज़ एवरी अदर मदर्स वॉइस वेदर ब्रेस्ट फीडिंग और नॉट, दैट यू नीड द स्पेस एंड यू नीड टू गेट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट व्हेन यू गो आउट। और ये कैंपेन एक बहुत छोटा सा कैंपेन था, ये मेरे अंदर की दिल की आवाज़ थी और अब धीरे धीरे यू नो एक चीज़ होती है बात करना, एक चीज़ होती है सोशल मीडिया पे वीडियो ड्रॉप करना, बट व्हेन दिस बूथ इज़ एक्चुअली कमिंग टू लाइफ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सुबह से बहुत सारी न्यू मॉम्स हैं जो आके यहाँ पे ब्रेस्ट फीड कर रही हैं एंड दे कमिंग हियर एंड द रिस्पॉन्स इज़ बीन ओवरवेलमिंग, सो फॉर मी आई फील लाइक यू नो आई ऑलवेज वॉन्ट लाइक शेड अ टियर ऑफ जॉय बिकॉज ऐसी और जगह फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वेल आई फील लाइक लाइफ उतना चेंज होता है जितना आप चेंज करें, जितना ज़्यादा कमिट करें एज अ मदर उतना ज़्यादा यू नो आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और दिस काइंड ऑफ लव इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ लव और फीलिंग फॉर एनी वन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड। पर अगर आप पूछें कि क्या चेंज हुआ है, आई फील लाइक यू नो आई हैव टू लाइक दिस ऑलवेज अ स्केड्यूल टाइमिंग जो कुछ होता है, अगर मेरे को कम से कम एक हफ्ते का एडवांस नोटिस चाहिए होता है, बट आई मैनेज टू डू एवरीथिंग एंड माय ऑफ टाइम और माय टाइम व्हेन आई हैव टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इज मच लेसर, बट इट्स ऑल वर्थ इट बिकॉज आई हैव मेहर एट होम एंड शी इज़ अडोरेबल और जब भी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बेटी को पकड़ रही हूँ, सो या इवन सीइंग यू नो दिस लवली गर्ल ओवर हियर दिस ब्यूटीफुल बेबी बीइंग फेड वाज जस्ट सच अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। This is a big battle at home. Anga thinks that she's daddy's daughter. I think she's mama's daughter. But you know, I just feel that when the two of them gang up together, I take second position for sure. मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे Zoya Factor भी अच्छी लगी, मैंने verdict भी देखा वो भी अच्छा लगा, so yeah and I mean I know that your question is about Angad's work and I wish him all the best and you know I look forward to all the work he keeps doing. जी मैं इसके बारे में जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है, इट्स बेटर दैट हिज फिल्म एंड हिज क्रू टर्न अराउंड एंड टॉक अबाउट इट बहुत लाइफ में भी। थैंक यू।